दूसरे वनडे मैच में मिचेल स्टार्क ने कहर बरपा दिया। स्टार्क ने पहले ही ओवर में शुभमन गिल को आउट कर भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया, लेकिन इसके बाद स्टार्क ने जो कमाल रोहित और सूर्य कुमार यादव को आउट करके किया वह अनोखा था। भारतीय पारी के पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर स्टार्क ने सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित को पवेलियन भेजा, फिर अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव को LBW आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। स्टार्क ने लगातार दो गेंद पर दो विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। सूर्या लगातार दो मैच में गोल्डन डक का शिकार बने हैं। बता दें कि जिस गेंद पर सूर्या को स्टार्क ने आउट किया वह गेंद मिड स्टंप की लाइन पर टप्पा खाई और सीधी रह गई। यहां पर गेंद को अपने पाले में देखकर ड्राइव शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे उनके पैर पर लग गई। इसके बाद गेंदबाज ने आउट की अपील की और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। वहीं सूर्या के आउट होने पर कोहली हैरान से रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि लगातार दो मैच में सूर्या गोल्डन डक का शिकार इस तरह से हो सकते हैं। पहले वनडे मैच में भी सूर्या गोल्डन डक पर LBW आउट हो गए थे।